बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। विधानसभा चुनाव 2022 महाकवरेज अभियान के अंतर्गत आज बैलेट बॉक्स इंडिया की टीम आई हुई लखनऊ शहर में। आज हमारे साथ हैं कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी के तरफ बैलेट बॉक्स इंडिया पर हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आपसे सर पहला प्रश्न है, आप अपने बारे में बताएं, शिक्षा अनुभव जीवनी और अपने कार्यों के बारे में, और आपका राजनीतिक परिवार क्षेत्र में आगमन कैसे हुआ? देखिए, मेरा कोई राजनीतिक पारिवारिक इतिहास नहीं है। मैं 2000 में चुनाव लड़ा था, सभासदी था, और तब से लगातार हम समाज की सेवा कर रहे हैं और 3 बार पार्षद भी रहे हैं मोतीलाल नेहरू वार्ड से, और जनता के बीच में रहे, जनता का सहयोग मिलता गया और हम लोग काम कर रहे हैं। आप आम लोगों की तरीके से कोई व्यवसाय, रोजगार या नौकरी कर सकते थे, आप आखिरकार राजनीति में आपका आने का क्या कारण रहा? समाज सेवा के लिए राजनीति में आने का मेरा विचार बना कि समाज की सेवा कैसे की जाए, तो मेरे मित्रों ने कहा कि सभासदी का चुनाव लो, तो मैंने सभासदी का चुनाव लड़ा और जनता का प्यार मिला और मैं चुनाव जीता, और तब से लेके आज तक लगातार सम्मानित क्षेत्र की जनता मुझे जिताती आ रही है, और हमने लगातार पूरे वार्ड में काम किया, आदर्श वार्ड बना के उसको दिखाया। और आपसे अगला प्रश्न है, आपकी विधानसभा की प्रमुख 5 समस्याएं क्या हैं, जो अगर आपको मौका मिलता है तो आप उन पर काम करेंगे? देखिए, जनता क्षेत्र की सम्मानित जनता अगर मुझे इस विधानसभा में मौका देती है तो यहाँ पे बहुत काम अभी होने बाकी है। यहाँ पे शिक्षा पे काम नहीं हुआ, स्वास्थ्य पे काम नहीं हुआ, सड़कें यहाँ की ठीक नहीं है, चाहे वो नाली हो, खड़ंजा हो, पानी पीने का पानी हो, इन सब चीज़ों की वहाँ पे बहुत ही दिक्कत है लोगों को। और हमने गली गली में जनसंपर्क करके लगातार हम लोग जा रहे हैं, एक एक मोहल्ले में, एक एक वार्ड में जाके देख रहे हैं कि समस्याएँ हैं, सीवर की, जल निकासी की तमाम समस्याएँ, गीतापल्ली में जल निकासी हो जाती है, वहाँ पर जो है रोडों पर पानी भर जाता है, तो ऐसी समस्याएं हैं। हम लोग जनता, सामान्य जनता क्षेत्र से हमको अगर मौका देती है तो निश्चित रूप से हम ये सब कभी काम, सभी काम करने का काम। और आपसे अगला प्रश्न है कि आपकी नज़र में सरकार ने किन विषयों पर ध्यान नहीं दिया, उनको आखिर देना चाहिए था, आपकी सरकार आती है तो उन विषयों पर कैसे ध्यान दे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में कोई काम नहीं किया, इसीलिए जनता में बहुत गुस्सा और रोष है, और समाजवादी पार्टी ने काम करके दिखाया है। पिछले 5 जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तो आप देख सकते हैं, चाहे वो एक्सप्रेसवे बना हो, चाहे लखनऊ में मेट्रो लाने का काम किया हो, जनेश्वर मिश्रा पार्क लाने का बनाया हो, चाहे रिवर फ्रंट बनाया हो, ऐसे बहुत से काम किए, तो काम समाजवादी पार्टी ही करती है। आपसे अंतिम प्रश्न है, आप आम जनमानस से क्या अपेक्षा रखते हैं, अपील को? मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते मैं अपनी क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगा कि मुझे विकास के नाम पे वोट दें, मेरे काम को देखें, मैंने काम किया है और मैं काम करूंगा, यही मैं क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत आप बहुत बहुत धन्यवाद।